Good morning, students. We were studying chapter 3 of biology, that is diversity in living organisms. Previous lectures में हमने जिन phylums की बात करी थी, जो क्या थे, non-chordates से, यानी उनके किसी भी life के किसी भी time में क्या है, notochord present नहीं थी. Now हम उन organisms की बात करेंगे जिनमें क्या होती है, notochord present होती है, at least any किसी एक स्टेज पे, लाइफ के किसी एक स्टेज पे क्या होती है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है. हम फूड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो फाइलम हमें बात करनी है, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, ये भी अगर हम इनकी सिमिट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमिट्री होती है इनमें. नेक्स्ट होता है आपका जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. अब जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगे, कोई डिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा. डिप्लोब्लास्टिक आपके सिनेंड्रेटा में आते हैं, सिनेंड्रेटा और पोरिफेरा में आते हैं. इधर ट्रिप्लोब्लास्टिक सारे ऑर्गेनिजम्स आपको जितने भी ऑर्गन्स दिखाई देते हैं सब में क्या होगा, आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ही देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट है आपका, इसमें भी ट्रूसिनोम पाया जाता है, ट्रूसिनोम प्रेजेंट होता है. हमें ये सारे जो है वर्ड्स पहले समझा चुकी हैं, आई होप आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है इन सबको. इनमें जो बाकी जो हमने इससे पहले फाइलम्स देखे, इससे वो आप कहोगे कि ये तीनों जो है फीचर्स उनमें भी पाए जा रहे थे, तो इनको अलग फाइलम में रखने की जरूरत क्यों पड़ी. भाई हमें ये सारे जो ये तीन जो फीचर्स हैं, ये तीन फीचर्स हमें आर्थ्रोपोडा में भी देखे, हमें एनिलिडा में भी देखे, हमें काइनोडर्मेटा में भी देखे, हमें मतलब प्रीवियस में फाइलम्स में हमने फीचर्स को देखा था. तो उन फाइलम्स और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट इज इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है. नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म की क्या है, डॉर्सल साइड. हमने क्या बताया था, हमारी बॉडी का डॉर्सल साइड कौन सा है, हमारा बैक साइड. बैक साइड जहाँ पे क्या होती है, बैक बोन होती है, वो साइड कौन सा होता है, डॉर्सल साइड होता है. तो डॉर्सल साइड पे क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं. ये इनकी बॉडी में क्या होती है, लाइफ जब एडल्ट लाइफ, यानी कि जब न्यू रिप्रोडक्शन के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, तो उसमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है. तो इसे ये फीचर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म बाकी फाइलम के ऑर्गेनिज्म से क्या हो गए, डिफरेंट हो गए. इसलिए इनको क्या किया गया, अलग फाइलम में पुट किया गया. एग्जाम्पल है इसका, बैलेनोग्लॉसस. ये इसका एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का. नेक्स्ट इसके बाद जो फाइलम आता है, दैट इज वर्टिब्रेटा. जैसे कि हमारी जो बैक बोन है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम. सो इस वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस की वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन प्रेजेंट होती है,
केवल और केवल किस साइड में टेंशन होगी, डॉर्सल साइड में। उनको किसमें रखा गया है, वर्टिब्रेटा फाइलम में रखा गया है। तो पहली बात, इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डॉर्सल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी किस स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जो लेटर ऑन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलमेट पर कन्वर्ट हो जाएगी। डॉर्सल साइड में ही हमारी क्या पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है नर्व कॉर्ड, वो प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में ही। ये भी क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्टिक होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री में पाई जाती है, सिलोमेट होते हैं, यानी टू सिलोम पाई जाती है, टू बॉडी कैविटी पाई जाती है। और रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे। गिल्स जब ऐसा देखा जाता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, गिल्स या लंग्स में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए इस फाइलम को, वर्टिब्रेटा फाइलम को, हम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 क्लासेस में क्या किया है, डिवाइड किया है। वर्टिब्रेटा फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। सो हम एक एक करके उन क्लासेस के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट क्लास इज फिशीज। फिशीज की फिशेज, इसमें क्या, सॉरी, इसमें सबसे पहले आएगा फिशीज से पहले एक और क्लास आएगी, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा फिशीज आएगी, फिर फिशीज से पहले एक और है। ये क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट है। जैसे हमारे माउथ में जो है, फेस में क्या होते हैं, दो जॉस होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जॉस प्रेजेंट नहीं होते। आपको वर्टिब्रेट्स होंगे सब पे जॉस दिखाई देंगे, बट इनमें क्या है, जॉस नहीं प्रेजेंट होता है। इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप में इनका माउथ होता है। और इसी माउथ से वो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू अपना फूड वगैरह जो है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर, अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ईल लाइक होता है, लंबा होता है, ईल जैसा, ईल एक होता है ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी तरह लंबा एकदम इनका होता है। स्किन बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्लाइमी होती है, चिकनी होती है इनकी। और जनरली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इन। ये एक्टोपैरासाइट, ये भी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। एक्टो भी होते हैं, एक्टोपैरासाइट भी होते हैं और एंडोपैरासाइट भी होते हैं। यानी एक्टो मीन्स आउटसाइड द बॉडी और एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहकर क्या करते हैं, वो उनसे अपना ऑर्गेनिज्म अपना फूड न्यूट्रिएंट गेन करते हैं। ये एंडो नहीं होते, केवल एक्टोपैरासाइट होते हैं, एंडो नहीं होते। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, लैम्प्रे इज अ एग्जांपल ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट जो अगर हम क्लास की बात करेंगे तो दैट इज फिशी। फिशीज मीन्स फिशेज।
कैटेगरी इस क्लास में आती है, दैट इज फिशेज। इसमें ये क्या है, फिशेज की बात कर रहे हैं तो ये क्या होंगी, एक्वाटिक होंगी ऑर्गेनिज्म, और सभी तरह के वाटर में पाए जाते हैं। मैरीन वाटर की बात करें या फिर आप अगर फ्रेश वाटर की बात करें, दोनों में ही क्या पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनकी स्किन के ऊपर क्या होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनकी स्किन क्या होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। बहुत सारे स्केल से सभी फिशेज, जितने भी फिशेज होती है वो सबकी जो है कवर्ड रहती है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। इनमें गिल्स पाए जाती है, गिल्स के थ्रू वो वाटर से क्या करती है, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने का काम करती है। ये क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है नाम आएगा कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बाहर की बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज नहीं होता है। बाहर उनके जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में जिस तरह का चेंज, जिस तरह का वो होता है टेम्परेचर होता है, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अगर बाहर का टेम्परेचर क्या है, लो है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर इज चेंज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर किसी एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं, उस ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, और ये हार्ट कैसे होते हैं, टू चैम्बर होते हैं, टू चैम्बर हार्ट होते हैं। यानी इनकी हार्ट में क्या होते हैं, टू पार्ट्स पाए जाते हैं, टू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये से ले एग्स, अंडे देते हैं। तो जितने भी आपकी फिशेज होती हैं, जैसे शार्क हो गई आपकी, और अगर हम बात करें स्कोलियोडॉन की हो गई, स्कोलियोडॉन है, सी हॉर्स है, रोहू फिश है, ये सारी फिशेज किसके अंदर आती हैं, फिशेज फैमिली के अंदर आती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लास विच वी हैव टू टॉक अबाउट इज एम्फीबिया। The next class is amphibia. Amphibia class means, amphibia means both on water and both in water and land. The organism which live in land as well as in water, they are kept in the amphibia class. उन vertebrate organism, सबसे पहली बात ये बात करते हैं ना, vertebrate वाले, vertebrate organism जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, उन सभी को कहाँ रखा गया है, एम्फीबिया क्लास में रखा गया है। इनके में क्या होता है, स्केल प्रेजेंट नहीं होते। जैसे फिशेज में देखा था, हमने फिशेज फैमिली में देखा था कि उनकी बॉडी जो होती है वो स्केल से कवर्ड रहती है, उनकी स्किन जो होती है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है, वो इनमें जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि इनकी जो है, इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर बाहरी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज नहीं रहता है। इनकी स्किन में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं म्यूकस ग्लैंड्स कहते हैं। हार्ट की
स्टैंडपॉइंट होता है, जैसे हमने बताया था फिशिज में उसमें क्या होता है, हार्ट पे टू चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पे जो है एम्फीबियंस जो होते हैं उनका हार्ट जो है टू चैम्बर ना होके थ्री चैम्बर होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स या लंग्स, गिल्स या तो गिल्स के थ्रू होगा या लंग्स के थ्रू होगा। जब वो वाटर में प्रेजेंट होंगे तो वाटर में जब प्रेजेंट होते हैं तो लंग्स वर्क नहीं करते, तो वहां पे जब वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लैंड पे आते हैं तो लैंड में गिल्स वर्क नहीं करता, तो वहां पे क्या वर्क करता है, लंग्स वर्क करता है। तो दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती है, इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि ये क्या है, ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं। तो जब ये वाटर में रहते हैं तो उस टाइम रेस्पिरेशन के लिए कौन वर्क करता है, गिल्स वर्क करता है, और जब ये लैंड में रहते हैं तो उस टाइम क्या वर्क करता है, लंग्स वर्क करता है। और ये भी क्या करते हैं, एग्स देते हैं, ये भी अंडे देते हैं। और इनमें भी क्या होता है कि जब अंडे से एनिमल निकलता है तो लार्वा स्टेज, इनके जो है लाइफ साइकिल में एक लार्वा स्टेज भी प्रेजेंट होती है। जब एग जो है वो एग से जो है सबसे पहले क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, और लार्वा में फिर चेंजेस आते हैं, और चेंजेस होने के बाद उससे क्या होता है, एडल्ट निकलता है। एग्जाम्पल है इसका आपका फ्रॉग, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉग एंड सैलामेंडर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली एम्फीबियम। नेक्स्ट फैमिली वी हैव टू टॉक अबाउट इज बैक्टीरियम। These are also cold-blooded animals as they have scales. इनमें क्या होती है, scales present होती है। Amphibians में scales नहीं थी, moist skin होती है। लेकिन जो reptilia होते हैं इनमें क्या होती है, इनमें scales present होती है। इनमें respiration के लिए lungs होते हैं, gills नहीं present होते हैं। इनमें भी क्या है, इनमें maximum organism में क्या होता है, three chambered heart पाया जाता है, बट कुछ में क्या है, फोर चैम्बर हार्ट भी पाया जाता है। जैसे कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टिलियन और उसमें क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। लेकिन बाकी जितने भी रेप्टिलियंस होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द रेप्टिलियंस है थ्री चैम्बर हार्ट। दे हैव, दे आल्सो ले एग्स, ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और जनरली ये क्या करते हैं, ये पानी में नहीं देते हैं, ये अंडे एम्फीबियंस और पिक्सीज जो होते हैं वो अंडे पानी में देते थे, बट जो रेप्टिलियंस हैं वो क्या है, अंडे पानी में नहीं देते, वो बाहर लैंड में आके क्या करते हैं, एग देते हैं, ले करते हैं। एग्जाम्पल है इसका क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टर्टल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्लास रेप्टिलिया। लिजर्ड्स भी आते हैं इसमें, लिजर्ड्स जो होती हैं, दिस आल्सो कम इन द क्लास रेप्टिलिया। नेक्स्ट इज एविस, एविस मींस बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं उन सभी को क्या किया गया है, एक ही क्लास में रखा गया है, दैट इज क्लास एविस। अब इनमें क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी कॉर्डेट या वर्टिब्रेट की बात की थी सब कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। लेकिन ये जो होते हैं, ये अब जिनकी हम बात करेंगे वो किस कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो वो कैसे एनिमल्स होते हैं, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं,
वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये लैंड नहीं पाए जाते हैं तो इससे इनमें क्या है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। और हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट इनका कैसा होता है, फोर चैम्बर होता है, यानी इनमें क्या होता है, हार्ट में चार चैम्बर्स पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इनमें क्या होता है, जो फोर लिम्स होते हैं, यानी आगे के जो लिम्स होते हैं ये क्या होते हैं, फैदर में, पंख में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो वो जो फैदर्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, फ्लाइंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन से लिम्स चेंज होते हैं, फोर लिम्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में। एग्जाम्पल जितने भी आपके बर्ड्स होती हैं वो सारी इसमें आती हैं, स्पैरो हो गई, ऑस्ट्रिच हो गई, ये सब क्या आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी। सो अब इसके बाद एक और क्लास रह जाती है आपकी मैमल्स, जिसमें हम आते हैं, और उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, दैट इज नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, क्यों दिया गया और कैसे दिया जाता है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।